सुनते हैं वीर चक्र से सम्मानित हवलदार मदनलाल जी की कहानी कर्नल पीके कपूर जी की जुबानी। भारत माता की जय, ये वीर गाथा है हवलदार मदनलाल की, जिनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 3 मई 1999 में दुश्मनों ने हमारी कारगिल की चोटियों पर हमला करके कब्जा कर लिया था और एक घमासान युद्ध आरंभ हुआ था। 2.5 महीने की इस घमासान युद्ध के बाद हमारे जवानों ने वीरता हासिल की और इस युद्ध में अपना शौर्य और धैर्य दिखाकर काफ़ी सम्मानित हुए। इनको कई पदकों से सम्मानित किया गया। इनमें से एक थे हवलदार मदन लाल, जिनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 2 मार्च 1961 में इनका आरसपुरा में जम्मू में जन्म हुआ था। श्री कर्नैल सिंह के सुपुत्र थे। 18 ग्रेनेडियर में 13 अप्रैल 1978 में शामिल हुए एक जाबाज कमांडो के तौर पे। टाइगर हिल पर दुश्मनों का कब्जा था और हवलदार मदनलाल और 6 अन्य कमांडो ने टाइगर हिल पर हमला किया और एक के बाद एक 4 बंकर ध्वस्त कर दिए। उसके बाद 4 जुलाई को रात को घमासान दुश्मनों की फायरिंग हुई और हवलदार मदनलाल उनके कई कमांडो ने मोर्चा संभाला। इतनी भारी गोलाबारी और ग्रेनेड फेंकने के बावजूद, इतनी कठिनाइयों के बावजूद हवलदार मदनलाल ने अपना मोर्चा संभाला और इतनी लड़ाई के बाद अपने पहाड़ी उपकरणों के साथ उस शीर्ष पर पहुंच गए। 6 घंटे की लड़ाई के बाद 5 जुलाई 1999 में हवलदार मदनलाल गंभीर रूप से घायल हो गए और आखिरी सांस तक लड़ते रहे। हवलदार मदनलाल को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह वही घातक प्लेटून था जिसमें हवलदार योगेंद्र यादव को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। हवलदार मदनलाल को शत शत नमन। जय हिंद। We'll be right back.
हर जगह बुलंदी मेरे को गर्व तो है, एक बात का गर्व है। चलो उनको भगवान ने भी अच्छी जगह दी होगी, हमने तक कल हमारा कौन ना लेगा, कोई नहीं लेगा। चलो उनका जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक ना रहेगा उसका। धनुष के बाण पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड।